भाई आउटडोर सीन करना गर्मी में बहुत ही मुश्किल काम है। रजा क्या बोलते हो तुम इस बारे में? कितनी गुड, बिल्कुल सही बात है। मुश्किल से सीन कर रहे हैं जबकि हम लोग हाँ, एसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। जिसका एसी बंद है। नहीं, एसी चल रहा था। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जरा या एसी बंद है? मुझे फील नहीं हो रहा ना यहाँ। एसी चल रहा है मुसलसल। और लेकिन आउटडोर सीन करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये बच्चे बैठे हुए सारे पीछे हाथ हिला दे, मैं हेलो कर दें। तो सीन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा सीन, वो भी आउटडोर है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाती रहूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हैं डायरेक्टर। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। और ये हैं डीओपी। डीओपी ने बैक की हुई है। इनको बुरा लग रहा है कैमरे पे आना, शायद मजाक कर रही हूँ। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं उन्हें शूट कर रही हूँ। और ये मेरे साथ हैं आर्टिस्ट, जो कि मेरे हस्बैंड बने हुए हैं। तो ये हैं लाइन प्रोड्यूसर, जो कि हैं शाकिर। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बहुत बिजी इंसान ही है, बिजी इंसान है। तो ये डायरेक्शन देने में मसरूफ़ है। आउटडोर सीन करना गर्मी में बहुत मुश्किल काम है, बट हम लगे हुए हैं। तो रहिएगा हमारे साथ, आप भी इंजॉय करें शूट। ये देख लें भाई, अब सीन में जो है ना हमारा एक्सीडेंट होने जा रहा है, वो मैं आपको शायद नहीं शूट करके दिखा पाऊँ, बट जितना मुझसे होगा मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। क्या करने जा रहे हैं हम? एक्सीडेंट। नाम क्या आपका? यूसुफ। क्या करते हैं आप? कैमरामैन। जबरदस्ती के प्रोफेशनल? बहुत मार मार का करवाते हैं, कसम खुदा की। क्या कौन सा सीन करेंगे? एक्सीडेंट का सीन कर रहे हैं अभी। मुझे क्या करना है? पीछे से ना बस वाला इनको आके हिट करता है और इनका एक्सीडेंट होता है। हम लोग ये सीन शूट करते हैं। पक्का? और अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार? कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिट करवा रहे हो गाड़ी तो, मैं एक्सीडेंट करवा रहे हो, कुछ हुआ तो? यार जुनेद, वो पीछे वाला शॉट कर दो अपन। जी, तो जैसे कि हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और बाकी के जो आर्टिस्ट तो खैर हस्बैंड ही हैं साथ, और दो बच्चे दिखाए दूसरे रूम में। मैं यहाँ आके बैठी हूँ, मेरी आवाज़ फिर से जा रही है, फिर से इतना फ्लू मुझे शुरू हो गया। और आउटडोर हमने कर लिए, एक्सीडेंट भी हो गया, हमारी डेथ भी हो गई। हम शादी में कहीं जा रहे थे तो हमारी, खैर मैं पूरी तो स्टोरी रिवील नहीं कर सकती, बट मैं थोड़ा सा बताऊँगी कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारी डेथ हो गई, अल्लाह ना करे खैर ड्रामे में। अब जो है हम घर के सीन करेंगे, वेट हो रहा है, टीम आ जाएगी। मैं यहाँ बैठी हुई थी अकेली, सोचा आपको उनसे कुछ बातें कर लूँ। तो बातें यही करनी थी कि बताना था, लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। उसके अलावा बारिश नहीं हो रही है, मौसम ऐसा है, मतलब सब भी बीमार हो रहे हैं। इतना अजीब सा वायरल चला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हालांकि मैं तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हूँ, उसके बावजूद मेरी तबीयत ख़राब, गर्मी से हाइड्रेशन, गला जब साथ ही नहीं देगा तो किस तरीके से बंदा काम करेगा। और माइक में ऑडियो में बड़ा मसला होता है, इतनी फटी फटी आवाज़ आ रही होती है, तो बड़ा मसला है। दुआ करिएगा प्लीज़ मेरी तबीयत सही हो जाए। कल भी शूट पे थी, कल रात मुझे बहुत देर हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते। आज भी मैं दूसरी शूट पर हूँ, और है तो ये भी एक्सप्रेस की बट दूसरा ड्रामा है। तो ये जो आप मेरा गेटअप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इयररिंग्स पहनी हुई है, बैंगल्स, और ये इतना काम वाला सूट, तो ये जो है मैं कर रही हूँ इसमें शादी का सीन करना था, जिसकी वजह से ये गेटअप मैं घर से ही करके आई थी और अपना मेकअप भी। तो मैं आपको अपने लाइन प्रोड्यूसर से भी मिलवा देती हूँ। असल में मैं चाह रही थी कि इनका अलग से इंट्रोडक्शन करवाऊँगी सेपरेट वीडियो बना के, बट अब वो आ ही गए फ्रेम, उन्होंने मेरा पीछे डिस्टर्ब किया ये, तो अब मैं इनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। हाँ भाई शाकिर, अस्सलाम वालेकुम। ये कैमरे पे आना के बड़े नखरे करते हैं, लेकिन मैं उनको आज लेकर रहूँगी और आप लोगों के साथ इनसे कुछ सवाल करके आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ अपने चैनल के लिए, तो शूट पे आई हूँ, आपने मुझे कास्ट किया, तो आप ज़रा इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम शाकिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इधर आए ना क्लोज, आपका सही वो नहीं बन रहा। हाँ भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अच्छा, आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। एक तो मुझे ये बताइए, इतनी गर्मी में आउटडोर करना कैसा है? भाई पहले तो क्या कहते हैं, थैंक यू माहिरा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है,
और ना सिर्फ आज से हमारे साथ काम कर रही है, भले काफ़ी अर्सा टाइम हो गया है, साथ हमने ऐसा एक्टर भी काम किया है और आज इनको हमने कास्ट किया हुआ है, जो बात है। और ब्रिलियंट एक्टर है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। और आज आउटडोर पे इतनी गर्मी, शदीद गर्मी है, तबीयत इनकी नासाज है। सुबह 6 बजे क्या कहते हैं ये पहुँची घर पे अपने शूट से, एक पहले शूट पे थी वो भी हमारे इस्ता पार्क से एक्सप्रेस की थी। और आज हमने सुबह फिर इनको दोबारा पिक करवा लिया। और आते ही सुबह से आउटडोर शूट चल रहा है इनका ना। आप लोगों को कितनी मुश्किल आती है इस तरह आउटडोर शूट करने? हमें भी होते सारे बाहर करते हैं आजकल, पता है सबसे पहले तो आर्टिस्ट के लिए गर्मी बहुत मार देती है ना, क्योंकि हम अगर आउटडोर सीन कर रहे हैं और खासतौर फीमेल के लिए तो इतना सारे कपड़े से पहनना समटाइम ऐसा हो जाता है, फिर बाहर गर्मी में है ऑटो सीन कर रहे हैं, लोग देख रहे होते हैं, बड़ा बंदा ना। अच्छा, ये हमारे ड्रामे के हैं लाइन प्रोड्यूसर, ये कास्ट करते हैं, ड्रामा इनका है, इन्वेस्टर भी यही हैं। तो शाकिर, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई आपके साथ काम करना चाहे तो उसके लिए क्या करें? हाँ, तो जो अगर हमारे साथ काम करना चाहता है बशर्ते कि उस पर टैलेंट हो, कोई सिफारिश नहीं चाहिए होती है, टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर। तो जिसके पास टैलेंट है तो वो अगर इनके चैनल की तरफ से हमारे पास आएंगे तो इनको हम इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर काम देंगे उनको, बशर्ते कि टैलेंट होना चाहिए। लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बिल्कुल। तो अभी आप माहिरा से क्या जो हमारी आर्टिस्ट हैं इनसे आप रब्ता कीजिएगा इस, और अपने इस चैनल का ज़रूर वो हवाला दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इन चैनल को, ताकि फिर आपको भी काम मिले। थैंक यू सो मच। ये हैं शाकिर, बहुत अच्छी नेचर के हैं, काफ़ी पुराने आर्टिस्ट भी हैं, लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, और ये इन्हीं का ड्रामा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी काम करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इनका कांटेक्ट भी आपको दे सकती हूँ, इनका लिंक दे सकती हूँ। आइए ऑडिशन दीजिए, आगे बढ़िए, काम करिए। जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, देखें एक्टिंग स्किल्स बहुत कम लोगों में होते हैं, और जिनमें होते हैं वो लोग आगे नहीं आ पाते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है तो प्लीज़ उसको शो करें, उसको एक्सपोज करें, आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल रहे होते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें ख़ुद से आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते, और हमें मतलब कुछ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी काम करना चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये शाकिर हैं, इन्हें न्यू टैलेंट की ज़रूरत होती है, ऑडिशन दीजिए, मेरिट पे काम मिलेगा इंशाल्लाह, और आगे बढ़िए। कैसा लगा मेरा व्लॉग कल का, आप लोगों ने कमेंट में बताना है। आज का व्लॉग मैं घर जाके अपलोड करूँगी, लाइट हुई तो जल्दी कर दूँगी। तो रहिएगा मेरे साथ, हो सका तो मज़ीद वीडियो बना के ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इनका इंट्रोडक्शन मैं क्या करवाऊँ, आप तो सारे ही जानते हैं इनके। माशाल्लाह बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, सलमान नाम है इनका। आर्टिस्ट के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। सलमान, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अपना? गर्मी के हवाले से बताओ। सबसे पहले गर्मी पे बात होगी। गर्मी तो बहुत हो रही है, सबको पता है, एज यूजुअल पूरे पाकिस्तान में, ऊपर से कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक वालों ने एक जान अदा में की हुई, और गर्मी और लोड शेडिंग साथ साथ चल रहा है, लेकिन बहरहाल लाइफ है, ज़िंदगी है, चल रही है, चलती रहनी चाहिए, गुजार रहे हैं, गर्मी भी गुजार रहे हैं, जब सर्दियाँ होती हैं सर्दी भी गुजार रहे हैं। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है गर्मी के? गर्मी का काम करना बहुत मुश्किल, लाइट में काम करना बहुत मुश्किल है, आउटडोर करना बहुत मुश्किल है, बीपी लो। तो बस मैं यही कहती हूँ अपने हर वीडियो में, मैं यही बात कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा सलमान, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे एक्टिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आर्टिस्ट हैं, जो न्यू टैलेंट हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमें अपनी एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्टिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं न्यू आर्टिस्ट, जो न्यू कमर है, न्यू टैलेंट, इनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई शॉर्टकट्स पे मत जाइए, मेहनत कीजिए, और मेहनत से इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन आपको वो मुकाम मिल जाएगा जो आप शॉर्टकट अच्छी चीज़ नहीं है। पुरानी मूवीज़ देखें, हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे सीनियर अदाकार हैं, अदाकारा हैं, उनकी मूवीज़ देखें, उनसे सीखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई इतनी अच्छी अकेडमीज़ नहीं है जहाँ पर मैं आपको एडवाइस दे सकूँ कि आप अकेडमी में जाके लें, अगर अकेडमीज़ हैं भी तो बहुत महंगी हैं। एक्टिंग वैसे भी गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, सही बात। थोड़ा सा आपने खुद से अपने आप को एनालाइज करना है, और फिर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, अच्छा मेहनत करते जाएँ, अल्लाह साथ देगा। थैंक यू सो मच सलमान। सलमान मेरे साथ हैं और हम शब्बीर की शूट पर एक्सप्रेस पे, और प्रोड्यूसर से मैं आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ।
तो सलमान सर आज आप कह दें वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब आज आप कह दें मेरे चैनल को। बिल्कुल आप मायरा के चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी व्लॉग्स बनाती है ये, बहुत अच्छी एक्टर भी है। अभी मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, तो आगे बड़े बड़े स्टार मैंने अपने साथ ले लिए वीडियो में, तो अब मेरे वीडियोस को अच्छे व्यू मिलने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपसे भी रिक्वेस्ट है मायरा के चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया आज का तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा, अच्छे कॉमेंट्स कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। कल के वीडियो में व्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।